रेशमा का टेंट के अंदर खून हो जाता है और पुलिस वहाँ तहकीकात करने के लिए पहुँच जाती है। तो राघव पुलिस को पूरी बात बताता है कि हम दोनों यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, हमने पहले टेंट लगाया और इतने में बारिश का मौसम हो गया। तो रेशमा ने कहा, राघव तुम जल्दी से लकड़ियाँ ले आओ, हम अभी खाना बना लेते हैं। तो मैं लकड़ियाँ लेने के लिए चला गया। कुछ लकड़ियाँ मैंने इकट्ठी की और बारिश होने लगी तो मैं वापस आ गया। और वापस आकर मैंने देखा कि रेशमा का तो टेंट के अंदर खून हो चुका है। पुलिस टेंट के अंदर जाती है और देखती है कि अंदर की जमीन गीली है और लड़की के पेट में चाकू मारा है। दोस्तों, तहकीकात करने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि राघव ही खूनी है। तो दोस्तों, क्या आप अच्छे से सोचकर बता सकते हो क्या कि पुलिस को राघव पर ही शक क्यों था? तो भाई जरा ध्यान से सोचिए और अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, राघव ने कहा था कि उन्होंने आते ही टेंट लगा दी थी और फिर बाद में बारिश हुई, परंतु पुलिस को तो तहकीकात करने पर टेंट के अंदर की जमीन गीली मिली, यानी वो टेंट बारिश के बाद लगाई गई थी। तो शायद राघव झूठ बोल रहा था, इसलिए पुलिस को राघव पर शक था। तो क्या भैया आपने इसका जवाब दिया था क्या? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भाई आपका मैथ तो बहुत पक्का है ना? तो मैथ पर मैं आपको एक लॉजिकल पजल पूछती हूँ। दोस्तों, अगर 8 को आधा कर दिया जाए तो 4 के अलावा और क्या जवाब आएगा? तो भाई थोड़ा अपना दिमाग लगाइए और इस पहेली का सही जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों, अगर हम 8 को इस प्रकार आधा करेंगे तो 0 यह जवाब आएगा। तो भाई किस किस ने थोड़ा सा लॉजिक लगाकर 0 जवाब सोचा था? तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस सवाल का एक और जवाब है, अगर आपको वह पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आई है जिसमें आपको 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि दिखने में तो आपको सेम लग रहे हैं पर ऐसा नहीं है। इनमें से कोई एक बॉक्स बाकियों से अलग है। तो क्या आप बता सकते हो क्या इनमें से कौन सा बॉक्स बाकियों से अलग है? तो भाई जरा ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, पता चला क्या आपको कि इनमें से कौन सा बॉक्स बाकियों से अलग है? नहीं पता? अरे यार, यह देखिए, 2 नंबर वाला बॉक्स बाकियों से अलग है, दिखाई दिया ना? तो दोस्तों,
क्या आपने ये बॉक्स सही गेस किया था क्या? तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि यह किस मूवी का नाम है। तो दोस्तों, उसका सही जवाब है, उस मूवी का नाम है आंखें। दोस्तों, इस पहेली का जवाब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया है, पर उन सभी में सबसे पहले कमेंट करने वाले उन पांच लकी विनर के नाम ये रहे: रजत शर्मा, सरोज यादव, हिम्मू यादव, रोहिणी, पाणिनी हेमंत भोकरी। दोस्तों, आप पांचों को मनोरंजन मसाला की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो भाई, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा: वह कौन सा जीव है जिसका दिल कार जितना बड़ा होता है? तो भाई, फिर देरी कैसे, जल्दी से कमेंट कीजिए और उन पांच लकी विनर में अपना नाम घोषित करें। तो चलिए देखते हैं लास्ट पहेली। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर एक अटपटी पहेली आई है, जिसमें आपको सभी डॉट डॉट यानी सभी खाली जगह पर एक ही शब्द भरना है। तो भाई, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यह पहेली हल करना सबके बस का काम नहीं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, पता चला कि आपको कि वह एक ही शब्द कौन सा है? नहीं पता? अरे यार, इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल था। वह एक ही शब्द है, काली। देखिए, एक दिन काली रात में एक काली लड़की काली ड्रेस पहनकर काली माँ से मिलने काली के दरबार में गई। तो भाई, आ गया ना सभी खाली जगह पर वह एक ही शब्द, काली।